सो आज हम लोग MT-15 का हैंडल बार रेस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रीट फाइटर बाइक है और इसका जो सेटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अग्रेसिव है। काफ़ी अग्रेसिव नहीं बोल सकता, लेकिन स्ट्रीट फाइटर के हिसाब से काफ़ी अग्रेसिव है। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि इसमें हमारा सेटिंग पोजीशन कैसा है। तो हैंडल बार राइजर्स लगाने के लिए पहले हमें ये चार स्क्रूज खोलने होंगे। चार एलन की एलन नट्स हैं ये, 6 नंबर के। इसको खोलने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और इनको खोलते वक्त हमें आराम से खोलना है, एक एक करके क्रिस क्रॉस पैटर्न में। पहले अगर ये दोनों निकाल देंगे तो इन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलना है इसे। MT-15 का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इन दोनों के बीच में एक गैप है, और इस साइड से अगर देखेंगे तो इस साइड से वो गैप नहीं है इस केस में। और ये हम लोगों ने इसका भी क्लैंप निकाल लिया है, हैंडल भी डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा, इसको ग्रिप्स भी नहीं है ना? इसको ग्रिप्स भी नहीं है कुछ पकड़ने के लिए, ऐसे ही पकड़ा उसने। और अब हम लोग ये लगाने वाले हैं, ये FZ-25 के हैं हैंडल राइजर्स, नेक्सस गियर कंपनी के। इनके साथ चार स्क्रूज भी आते हैं। ये स्टेनलेस स्टील है कि नहीं अभी पता नहीं, देखते हैं। अगर रस्ट होगा तो रेन में इसको चेंज कर देंगे स्टेनलेस स्टील से। और ये इस पे लगेंगे ये वाले पार्ट्स, और फिर हैंडल इनके ऊपर लगेगा इस पे। सो लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो स्क्रूज आते हैं वो हम लोग अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो जो स्टेनलेस स्टील के जो स्क्रूज मिले हैं पैकेट में वो यूज़ करना पड़ेगा। साइज का डिफरेंस है, ये शॉर्ट है, वो लॉन्ग स्क्रूज है, वो उसका 1 इंच मतलब ज़्यादा स्क्रू का हाइट होगा, सो वो यूज़ करना पड़ेगा। हैंडल को उठाना है पहले और नीचे राइजर्स लगाने हैं। ये FZ-25 के राइजर्स हैं, तो थोड़ा शायद इनका साइज का प्रॉब्लम हो सकता है, अच्छे से मैच ना हो, बट चलता है उतना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है फिलहाल के लिए। अब हैंडल ऊपर करते वक्त अगर वो आराम से नहीं आ रहे हैं तो हमें पहले सारे वायर्स लूज़ करने पड़ेंगे। इन वायर्स को फिर लूज़ करके ही इस पे आना, इस पे डालना होगा। तो इन जिप टाइज को हम लोग अभी निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद थोड़ा वायर को लूज़ करेंगे। पीछे की तरफ घुमाना है और स्ट्रैप को बाहर निकालना है, निकल जाएगा उससे। सो ये लगा दिए हम लोगों ने राइजर्स, 1 इंच बढ़ गया इससे हाइट। और अब हैंडल को हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाएंगे ताकि ये थोड़ा पीछे आ जाए, इससे थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। काफ़ी इजी था, जहाँ पे पुराने वाले थे वहीं पे आ गया ये। हैंडल में भी यहाँ पे इतना गैप आ गया, वरना पहले बहुत छोटा गैप था यहाँ पे। तो अभी चारों स्क्रूज को हम लोगों ने हैंड टाइट कर दिया जितना हो सकता था उतना, और अब हम लोग हैंडल को थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। अभी हैंडल हम लोगों ने स्लाइटली ऊपर ले लिया है, इसको सर्विस सेंटर वालों ने ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया था, तो हम लोगों ने इसको वापस ऊपर कर लिया है। ऐसे लगती है 1 इंच के राइजर्स लगाने के बाद हैंडल का हाइट इतना बढ़ जाता है बॉडी से। इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है, पहले 1 इंच से ही ट्राई करते हैं। अगर 1 इंच से भी मज़ा नहीं आया तो 2 इंच या 1.5 इंच ट्राई करेंगे।
और अभी इन लोगों को हमने पूरा टाइट नहीं किया, इन दो नट्स को सिर्फ हैंड टाइट किया जितना हो सकता था उतना। अब ये लास्ट नट की बारी, तो आप देख सकते हो फिटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, हैंडल बार राइजर थोड़ा गैप है यहाँ पे, बट चलता है, काम चल जाएगा अपना। XZ25 के राइजर्स हैं एक्चुअल में। अब हम इन लोगों को अच्छे से टाइट करेंगे। और हैंडल ना ही सिर्फ थोड़ा ऊपर गया है बट थोड़ा पीछे भी आया है, तो पकड़ने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा रीच इसका अच्छा हो गया है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है देखने में, तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। अब चलाने पर समझेगा एक्चुअल इसका कितना फ़ायदा हुआ है। अच्छा, वो कटिंग ही वैसे किया है उनका, तो इनकी कटिंग ही वैसे की गई है कि पीछे से ज़्यादा गैप रहेगा बाकी, और आगे से एकदम अच्छे से फिट होता है वो। दैट्स इट। अब इसको देखते हैं इसका सेटिंग पोजीशन कैसा लगता है, और अभी दूर से दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा है इसका सेटिंग पोजीशन।